सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आशा केतवाल, स्वागत था आपका मेरे यूट्यूब चैनल आशा ब्लॉग्स में। और आज हम आए हैं बागेश्वर में, और आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, और इस खुशी पे आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की। और यहाँ पे आज हम लोगों ने स्वागत के लिए ये लोग तैयार हो रखे हैं, क्योंकि हम लोग एकदम गेट पे हैं। अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये गेट पे हम लोग हैं और ये रिबन बंधा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अलग अलग विभागों के, सारे विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लखपति दीदी यहाँ पे आज सम्मानित होना है, लखपति दीदियों को यहाँ पे सम्मानित किया जाना है। तो ये तीन लोग हैं, यहीं पर ही हैं तीन लोग, तो इन लोगों को भी सम्मानित किया जाना है। ये हैं, बताओ ज़रा अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम ममता पांडे है। अभी यहाँ लखपति दीदी में सबसे पहले मेरा नाम आ रखा है। ये तीनों लोग हैं, ये लखपति दीदी के अंतर्गत आते हैं। हमको नहीं है, हम लोगों को तो परसों ही मिल रखा है, देहरादून में भी आए थे तब हम लोगों का नाम नहीं है अभी इस बार। तो अभी हम हैं अभी यहीं पर ही नुमाइश में, यहाँ पे आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पे हमारे जो बागेश्वर के ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी हमारे साथ हैं। बताती हूँ आपको हमारे बागेश्वर के ब्लॉक प्रमुख पुष्पा देवी जी से। आज सभी समूह की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और स्वागत करने के लिए, और मैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं। चंदा का लगा दो। हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, उन लोगों के द्वारा हमारे जितने भी स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, जो भी सामान हमारे समूह के महिलाओं के द्वारा उत्पाद किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे स्टॉलों में लगे हुए हैं और अन्य विभागों के भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो वो सारे चीज़ों का अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये हैं हमारे उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपना अहम योगदान दिया है, और इन लोगों का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। ये हैं हमारे उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी, जितने भी ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बैज लगाए हुए, और ग्रुप में जो इनको दिखाया जा रहा है फ़ोटो के लिए, ये लोग अभी यहाँ पर हैं। तो ये सारे हमारे जो है राज्य आंदोलनकारी हैं।
सभी महिलाओं को मिलने लग गया है, जो सम्मान के लिए वो यहाँ पे आई हुई थी, सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, तो उन महिलाओं को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और महिलाएं काफ़ी खुश लग रही हैं। और ये दिखाती हूँ मैं आपको कि किस प्रकार उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो अभी हैं हम लोग यही नुमाइश खेत में, और आज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज यहाँ पे लखपति दीदी सम्मान इन लोगों को मिलना है, महिलाओं को, तो जिसमें हमारी समूह की भी काफ़ी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, कोई दूध के क्षेत्र में, कोई कृषि के क्षेत्र में, कोई सिलाई कढ़ाई के क्षेत्र में, तो अलग अलग प्रकार से हैं। तो मैं एक एक करके आपको आज मिलाऊंगी महिलाओं से और दिखाती हूं कि इनको आज क्या क्या मिला है, क्योंकि आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है, तो बहुत अच्छा सम्मान इन लोगों को मिल रखा है। तो आप लोगों को दिखाती हूं और मिलाती भी हूं इनको क्या मिला है। उससे पहले मैं मिला रही हूं हमारी सामा से हैं, कपकोट क्षेत्र से, धना दीदी, और उनसे मिलाते हैं आपको और दिखाते हैं कि क्या उनको मिला है। और बताओ धना दी थोड़ा सा अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम धना करूँगा, मैं सामा से, और सबसे पहले तो मैं आप सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और उन्हें ये मिला है, लखपति दीदी सम्मान मिला है, और हम अपनी सब्जी उत्पादन या कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, हर किसी काम करने में सक्षम है महिलाएँ आज के दिन में, और इसीलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये सम्मान, ऐसा सम्मान हमें मिलती रहना चाहिए, हम भी आगे को बहुत ज़्यादा काम करते रहेंगे। धन्यवाद। रेखा देवी है, मेरा सरस मार्केट में सिलाई केंद्र है, मैं सिलाई भी करती हूँ, आज मुझे ये लखपति दीदी का धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा बोलता है, मैं सामा से, और मैं जो है सब्जी उत्पादन करती हूँ, मौसमी जो भी है, लाई पालक और गोभी होती है सबसे ज़्यादा वहाँ, और आलू होते हैं, अभी है कि ऑर्गेनिक खेती होती है, जो भी ऑर्गेनिक होती है, तो उससे हमें काफ़ी लाभ भी मिला है और प्रयास भी कर रहे हैं आगे। धन्यवाद। मैं दोबा से आई हूँ और मैं खेती बाड़ी भी करती हूँ और सिलाई का भी करती हूँ। और आज क्या मिला है आपको? आज मेरे को ये सम्मान मिला है लखपति। खुशी हो रही, नहीं हो रही? बहुत खुशी हो रही है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है, मैं गरुण ब्लॉक से आई हूँ, मैं छठिया ग्राम की हूँ, मैं पशुपालन का कार्य करती हूँ और अचार बनाने का कार्य करती हूँ, जिसका आज मुझे बागेश्वर में सम्मानित किया गया है लखपति दीदी द्वारा, तो मुझे आज यहाँ पे सम्मान मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे सरकार ने मुझे इतना सम्मान दिया। कार्यक्रम पूरा संपन्न हो चुका है, जितना भी जो भी यहाँ पे कार्यक्रम था, जो भी सम्मान लोगों को सम्मानित किया जाना था, जो भी कार्यक्रम होने थे, सारे यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद अब आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा खाली खाली, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से ब्लॉक में, और ब्लॉक में कुछ काम है।